दोस्तों, शरद पूर्णिमा, व्रत विधि और इसके महत्व के बारे में जानिए विस्तार से, जो कि 5 अक्टूबर को है। जी हाँ दोस्तों, शरद पूर्णिमा 5 अक्टूबर को पड़ रही है और आप इस शरद पूर्णिमा की महत्व और व्रत विधि के बारे में जानिए विस्तार से इस वीडियो में। दोस्तों बता दें कि आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा शरद पूर्णिमा के रूप में मनाई जाती है और वर्ष 2017 में शरद पूर्णिमा 5 अक्टूबर को मनाई जाएगी और शरद पूर्णिमा को कोजोगार पूर्णिमा और रास पूर्णिमा भी कहा जाता है। वहीं कुछ क्षेत्रों में इस व्रत को कौमुदी व्रत भी कहा जाता है। इस दिन चंद्रमा व भगवान विष्णु का पूजन व्रत कथा की जाती है और धर्म ग्रंथों के अनुसार इसी दिन चंद्र अपनी 16 कलाओं से परिपूर्ण होते हैं। इस दिन श्री सुक्त लक्ष्मी स्रोत का पाठ करके हवन करना चाहिए और इस विधि से कोजागार व्रत करने से माता लक्ष्मी अति प्रसन्न होती है एवं धन धान्य मान प्रतिष्ठा आदि सभी सुख प्रदान करती है। जानते हैं शरद पूर्णिमा व्रत विधि के बारे में। तो दोस्तों, शरद पूर्णिमा के सुबह सभी कार्यों से, नित्य कर्मों से निवृत्त होकर शुभ अवसर पर प्रातः काल में व्रत कर अपने इष्ट देव का पूजन करना चाहिए। इंद्र और महालक्ष्मी जी का पूजन करके घी के दीपक जलाकर उसकी गंध पुष्प आदि से पूजा करनी चाहिए और ब्राह्मणों को खीर का भोजन कराना चाहिए और उन्हें दान दक्षिणा प्रदान करनी चाहिए और लक्ष्मी प्राप्ति के लिए इस व्रत को विशेष रूप से किया जाता है। इस दिन जागरण करने की धन संपत्ति में वृद्धि होती है। दोस्तों, इस व्रत को मुख्य रूप से स्त्रियों के द्वारा किया जाता है और उपवास करने वाली स्त्रियां इस दिन लकड़ी की चौकी पर सातिया बनाकर पानी का लोटा भरकर रखती हैं और 1 गिलास में गेहूं भरकर उसके ऊपर 1 रुपया रखा जाता है और गेहूं के 13 दाने हाथ में लेकर कहानी सुनी जाती है और गिलास और रुपया कथा कहने वाली स्त्रियों को पैर छूकर दिए जाते हैं। रात को जब चंद्रमा को अर्घ्य देना चाहिए और उसके बाद ही भोजन करना चाहिए एवं मंदिर में खीर आदि का दान करने का विधान भी है और विशेष रूप से इस दिन तरबूज के 2 टुकड़े करके रखे जाते हैं। साथ ही कोई भी एक ऋतु का फल रखा जाता है और खीर चंद्रमा की चांदनी में रखा जाता है। ऐसा कहा जाता है कि इस दिन चांद की चांदनी से अमृत बरसता है और इस अमृत को यदि कोई पी ले तो वह एक प्रकार से रोगी भी स्वस्थ और सुखी हो जाता है। यानी कि आप चंद्रमा की चांदनी में रात को खीर को रखिए और उसे पूरे परिवार जन के साथ मिलकर खाइए। यदि आपका कोई रोग दुख कष्ट होगा तो वह भी कट जाएगा और रोग खत्म हो जाएगा। दोस्तों, यदि बात करें शरद पूर्णिमा के महत्व की, तो शरद पूर्णिमा के विषय में विख्यात है कि इस दिन कोई भी व्यक्ति किसी अनुष्ठान को करे तो उसका अनुष्ठान अवश्य ही सफल होता है और तीसरे पहर इस दिन व्रत कर हाथियों की आरती करने पर उत्तम फल मिलते हैं। इस दिन के संदर्भ में एक मान्यता प्रसिद्ध भी है कि इस दिन भगवान श्री कृष्ण ने गोपियों के साथ महारास रचा था। इस दिन चंद्रमा की किरणों से अमृत वर्षा होने की वंदिति भी प्रसिद्ध है और इसी कारण इस दिन खीर बनाकर रात भर चांदनी में रखकर अगले दिन प्रातः काल खाने में इसका विधि विधान भी है। दोस्तों, अश्विन मास की पूर्णिमा सबसे श्रेष्ठ मानी गई है और इस पूर्णिमा को आरोग्य हेतु फलदायक माना जाता है। मान्यता अनुसार पूर्ण चंद्रमा अमृत का स्रोत है और अतः माना जाता है कि इस पूर्णिमा को चंद्रमा से अमृत की वर्षा भी होती है और शरद पूर्णिमा की रात्रि समय खीर को चंद्रमा की चांदनी में रखकर उसे प्रसाद स्वरूप ग्रहण किया जाता है और मान्यता अनुसार चंद्रमा की बीमारियां आदि दूर हो जाती है और आयुर्वेद में ग्रंथों के अनुसार भी इसकी चांदनी के औषधीय महत्व का वर्णन मिलता है और खीर को चांदनी में रखकर अगले दिन इसका सेवन करने से असाध्य रोगों से मुक्ति प्राप्त होती है। तो इस तरीके से दोस्तों, हमने यहाँ जाना शरद पूर्णिमा व्रत विधि के बारे में और शरद पूर्णिमा के महत्व के बारे में। यदि आप हमारे द्वारा बताई गई खास महत्वपूर्ण जानकारी अच्छे से समझ गए हैं और आपको हमारी जानकारी पसंद आ गई हो तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर जरूर करें ताकि अन्य भाई बहन मित्र इसका लाभ उठा सकें और हमारे एस्ट्रोलॉजी और वास्तु ज्ञान यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें जिससे आने वाले वीडियोस तुरंत प्राप्त कर सकें आप। धन्यवाद। जय माता दी।